Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. सन 2006 में यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन देखने के लिए गया था। उस समय पर वहाँ पर जाकर के देखा कि गरीब स्तर के बच्चे वहाँ पर जो है घूम रहे थे मट्टी धूल में। तो उनसे के माँ बाप से मैंने बात किया कि इन्हें स्कूल क्यों नहीं भेजते। तो उन्होंने कहा कि हम अभी गांव से आए हैं। हमने उनसे कहा कि आप जो है हमारे साथ में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजो। मैंने उन बच्चों को बैठा करके ये काम शुरू किया था। मुझे नहीं मालूम था ये काम इतना बड़ा हो जाएगा। उसके बाद में मैंने 3 साल वहाँ पर लगातार कंटिन्यूस काम किया और जैसे कि काम करने के साथ में वहाँ पर करीब 140 बच्चे करीब हो गए थे। मैं फ्लाईओवर के नीचे इसके आया 2010 में। फिर मैंने यहाँ पर चालू किया। चालू करने के बाद में पहले डरते डरते हमने एक ब्लैक बोर्ड बनाया था। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे लोग हमारे साथ में सहयोग करने लगे पढ़ाने में, उसी तरीके से हम धीरे धीरे स्कूल को जो बढ़ाते गए और आज जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 300 बच्चे करीब 2 सेप्टेम्बर में पढ़ते हैं और काफ़ी वॉलंटियर वगैरह जो है मेरे साथ में आ गए हैं जो कि काम कर रहे हैं। मैं जब 8th क्लास की स्टूडेंट थी तब से मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। पढ़ने के बाद मेरी नॉलेज थोड़ी बढ़ी। उसके बाद मैं 10th क्लास में यहाँ पे खुद ट्यूशन देती हूँ ताकि मेरी नॉलेज अच्छी रहे। मैंने पढ़ने के बाद मालूम हुआ जबकि मेरे जीवन के सपने थे कि मैं एक इंजीनियर बनूँ, लेकिन पढ़ाई न पूरी होने के कारण मैं इंजीनियर नहीं बन पाया। तो आज यही सोचता हूँ कि इन छोटे बच्चों के साथ में अगर हम लोग जैसे सहयोग नहीं देंगे तो ये भी बेचारे फटपात के फटपात में रह जाएंगे। तो इसलिए शिक्षा सबको बदल सकती है और आज यहाँ पर बदलाव हो रहा है।